प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 11 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो प्रभु यीशु का उदाहरण दे रहा है एक महत्वपूर्ण बात के लिए। आगे के सारे वचन प्रभु की एक बड़ी बात और बड़ा स्वभाव बता रहा है और पौलुस इसके द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हमारा स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही बन जाए जैसा कि हमारे प्रभु का स्वभाव था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो नम्रता के बारे में सिखा रहा है। हमें नम्र बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए। और ये जब भी वो सिखा रहा है, वो उदाहरण दे रहा है प्रभु यीशु का, क्योंकि नम्रता के बारे में पूरे संसार के इतिहास में प्रभु यीशु का उदाहरण या प्रभु का आदर्श जितना बड़ा है उतना किसी का भी नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप का था, यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप का था, तो भी उसने आपको नम्र बनाया। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा बल्कि अपने आप को नम्र बनाया, अपने आप को दीन बनाया, मनुष्यों की समानता में वो बन गया और मनुष्य का रूप लेकर वो प्रकट हो गया। उसने आप अपने आप को इतना नम्र बनाया, इतना दीन बनाया। और आगे कहते हैं, आगे वचन कहता है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। दो बार बताया गया है प्रभु परमेश्वर पिता की आज्ञा में यहाँ तक रहा कि उसने मृत्यु को सहा, पर और ज़्यादा स्पष्टीकरण क्रूस की मृत्यु को सहा, क्योंकि क्रूस पर मर जाना ये एक बड़ा अपमान का अपमान की बात समझी जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि किसी बड़े बड़े गुनहगार को फांसी की सजा दी जाती है तो हम समझते हैं ये उसके लिए कितनी बड़ी अपमान की बात है कि वो इतना बड़ा गुनहगार साबित हो गया कि अदालत ने उसको फांसी की सजा लगाई। उस समय क्रूस पर मर जाना ये एक बड़े गुनहगार को दी जाती थी ऐसी सजा थी, और इसलिए क्रूस पर मरना एक बड़ी भयानक अपमान की बात थी।
लज्जा की बात थी। इसलिए वचन साफ कहता है वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, साधारण मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु सहली। इतना अपमान, उसने अपने आप को इतना लज्जित होने दिया, इतना अपमानित होने दिया, इतना वो दीन बन गया कि जो सजा बड़े गुनेगार को दी जाती थी वो सजा उसने खुद उठाई। इतना वो आज्ञाकारी रहा और इसीलिए परमेश्वर पिता ने उसे महान बनाया, वो नाम उसे दिया जो सर्वश्रेष्ठ नाम है। वजह ये है कि जो भी स्वर्ग में है, जो भी स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है या पृथ्वी के नीचे है, हर कोई यीशु के नाम से घुटना टेके और हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की नम्रता के बारे में और सहनशीलता के बारे में कई बार बात तो ज़रूर करते हैं पर गहराई में जाकर उसके बारे में सोचते नहीं है और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे तो हर वक्त जब आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं हम प्रभु के बलिदान का स्मरण करते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कैसा दुख उठाया, वो कैसा हमारे लिए तड़पा, कैसा दर्द, कितनी यातना, कितने भयानक दुख से उसको गुजरना पड़ा और कैसा वो अपमानित हो गया। इन सारी बातों की हम हर बार आपको याद दिलाते हैं। आप सप्ताह में एक बार प्रार्थना में आते होंगे या दो सप्ताह में एक बार आते होंगे, पर ये ज़रूरी है कि आप जब भी घर पे रहते हैं हर दिन प्रार्थना करने से पहले आपको प्रभु के क्रूस के बलिदान का स्मरण करना है हर दिन। क्यों जानते हैं? बिना क्रूस हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। प्रभु के क्रूस के बलिदान के सिवाय हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम पाप में जन्मे, पाप में पले, और यदि प्रभु का क्रूस का बलिदान ना होता तो हम पाप में मर जाते और हमारी आत्मा का विनाश हो जाता। पर अभी हम आशीषित लोग हैं क्योंकि हम पाप में जन्मे, पाप में पले, पर पाप में मरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को उठाया है और हमारे पापों का दंड लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया है। और इस क्रूस के संदेश को हमने जान लिया है, ग्रहण कर लिया है, और इसीलिए अभी हम पाप में मरेंगे नहीं, हम एक धर्मी बनकर मर जाएंगे ताकि अनंत काल परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे और पापों का दंड हमें कभी उठाना ना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हर दिन जब आप प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने आते हैं, खड़े होते हैं या घुटना टेकते हैं या बैठते हैं, आपके शरीर की अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, जब आप प्रभु के सामने आते हैं आपको स्मरण करना है, प्रभु तेरे क्रूस के बलिदान के कारण मैं बच गया, तेरे क्रूस के बलिदान के कारण मैं बच गई। इस बात का स्मरण हमें हमेशा करना है, हर दिन करना है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे आपको बताना है कि प्रभु ने जो बलिदान किया है उस बलिदान में प्रभु की जो नम्रता थी और जो सहनशीलता थी उसे हमें कई बार तो जरा गहराई में जाकर सोचना चाहिए, तब जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर हम कौन हैं और प्रभु कौन था। कितने बार हम दूसरों की ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, ज़रा सी भी। आप देखो हर घर घर में हर जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों ये हो रहा है? एक ही वजह, किसी का बर्दाश्त नहीं होता है। पति पत्नी आपस में झगड़े हैं, भाई बहन आपस में झगड़े हैं, सब जगह झगड़े हैं। आप ट्रेन में सफ़र करो, बस में सफ़र करो, कहीं भी जाओ झगड़े होते हैं। जब आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं
मुझे विश्वास है यहाँ प्रार्थना में आने के बाद पवित्र आत्मा लोगों के दिल का कब्जा लेता है और इसलिए भीड़ होने के बावजूद भी झगड़े नहीं होते हैं, वरना जो बात ट्रेन में होती है जहाँ भीड़ होती है वहाँ झगड़े होते हैं, वो यहाँ भी शुरू हो जाता। पर यहाँ पवित्र आत्मा लोगों के दिल का कब्जा लेता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग बर्दाश्त करते हैं यहाँ प्रभु के घर में। सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग बर्दाश्त करते हैं। एक दो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता भी है तो भी दूसरा बोलता है जाने दो, प्रभु के घर में क्या बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कभी कभी शांत होकर प्रभु के बलिदान के बारे में गहराई में सोचना चाहिए। जो मनुष्य प्रभु के इस बलिदान के बारे में गहराई में सोचता है वो अपने अहंकार को भूल जाता है और वो समझता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम अपने आप को क्या समझते हैं, इसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे ऐसी बात बताई, उसने लोगों के सामने मुझे ऐसा बोल दिया, और इतनी छोटी छोटी बात को लेकर हम सालों साल अपने मन में गुस्सा रख देते हैं। किसी की थोड़ी सी भी बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक औरत यहाँ प्रार्थना में आती है और प्रभु के साथ वादा करती है, आज से मैं घर जाऊंगी, अपने सास के साथ बड़े प्यार से बातें करूंगी, प्यार से बर्ताव करूंगी। यहाँ क्योंकि यहाँ पवित्र आत्मा ने उसके दिल का कब्जा लिया है और इसीलिए वह ऐसी बातें कर रही है। जब वो घर जाती है और सास का बर्ताव देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। जो बात हमारे मन के अनुसार नहीं होती है वो बात हमें बार बार गुस्सा देती है और हमेशा हम दूसरों का बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, जहाँ मनुष्य है, जहाँ इंसान रहता है, वहाँ नम्रता और बर्दाश्त करने का स्वभाव है ही नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए तो पौलुस ने दूसरे किसी मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया है बल्कि प्रभु यीशु का दिया है। यीशु मसीह कौन था? वो परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश, यानी वो खुद परमेश्वर था। उसके बारे में बाइबल कहते आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह परमेश्वर है। वो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन है अर्थात शब्द है जिसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और वो मनुष्य की समानता में होकर धरती पर आ गया। मनुष्य के स्वभाव के जैसा, मनुष्य की समानता में वो बन गया। बिल्कुल एक साधारण मनुष्य जैसा होता है वैसा वो बन गया। और प्रभु जब धरती पर आया सबसे पहली बात उसने एक गरीब और साधारण परिवार में जन्म लिया। प्रभु यीशु के पिताजी यूसुफ बड़ई का काम करते थे। परमेश्वर का पुत्र धरती पर जन्म लेने जा रहा था तो उसने किसी राजा या किसी महल या किसी अमीर का घर क्यों नहीं चुना? वो एक बड़ई के घर में पैदा हो गया, साधारण घर में पैदा हो गया, साधारण लोगों के बीच में रहा। 33 साल जब वो धरती पर था वो बड़े बड़े अमीर लोगों को ढूंढते नहीं घूम रहा था कि मेरे तुल्य कौन है, मुझे किन के साथ रहना है। वो गरीबों के साथ रहा, साधारण लोगों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी बिताई। और उसके ज़िंदगी के आखिरी पल में, यानी गुरुवार की शाम उसको जब पकड़ा गया, तब से लेकर शुक्रवार दोपहर वो क्रूस पर मर गया। गुरुवार रात से लेकर उसके दूसरे दिन शुक्रवार दोपहर वो क्रूस पर मर गया। ये इतने समय में प्रभु ने जो दुख उठाया, जो दर्द उठाया, इस बात पर हम यदि गहराई में सोचेंगे तो जानेंगे कि उसकी नम्रता इतनी बड़ी है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बार हम अपने आप को नम्र दिखाने की कोशिश करते हैं पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमारी नम्रता नहीं बल्कि हमारी मजबूरी होती है
इसीलिए हम बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि किसी मनुष्य को नौकरी के ऊपर अपना बॉस या उसके जो अधिकारी है डांटते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ बोलते हैं, उसे गुस्सा बहुत आता है, पर वो बोलता है मैं नम्रता से बर्दाश्त करता हूँ। पर सच्चाई ये होती है कि ये उसकी मजबूरी है, यदि नौकरी छोड़ दूंगा तो दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा, मेरे परिवार का क्या हो जाएगा। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे अंदर नम्रता है इसीलिए मैं सबों का बर्दाश्त करता हूँ। पर सच्चाई क्या है, क्या ये नम्रता है? यीशु के बारे में देखो, प्रभु को जब ये पकड़ने के लिए सिपाही आ गए और प्रभु जानता था कि ये मुझे ही पकड़ने के लिए आए हैं, तो भी प्रभु ने उनको सवाल किया किसे ढूंढते हो, जवाब मिला यीशु नासरी को। यीशु ने कहा मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। यदि कोई हमें पकड़ने के लिए आया तो हम भाग जाएंगे, जिसके पास छुड़ाने की ताकत है अपने आप को वो खुद को छुड़ा देता है। क्या प्रभु के पास ताकत नहीं थी? जब प्रभु के चेले डर गए और पतरस ने तलवार निकालकर एक सिपाही का कान काट डाला, तब प्रभु ने ऐसा कहा क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि मैं पिता के पास नहीं मांग सकता हूँ? यदि मैं मांगूंगा तो पिता अब भी स्वर्ग दूतों की सेना यहाँ पर भेज देगा। कमजोर नहीं था, लाचार नहीं था, मजबूर नहीं था, बल्कि नम्र बन गया था, दीन बन गया था। मैं अब भी पिता के पास मांग सकता हूँ और परमेश्वर पिता यहाँ स्वर्ग दूतों की सेना भेज देगा। सिपाही क्या आखिर इंसान ही तो थे? स्वर्ग दूतों की सेना आएगी तो सिपाही और सब लोग कहाँ के कहाँ हो जाते, पर प्रभु खुद उनके हाथ में गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु खुद उनके हाथ में गया। उन लोगों ने प्रभु को कितना सताया, कितनी ताड़ना दी, कितना परेशान किया, प्रभु ने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को दंड नहीं दिया, किसी के लिए कुछ बुरा शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि ये लोग प्रभु की आँखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसको मार रहे थे और बोल रहे थे बताओ किसने मारा तुझे। जैसे बच्चों के साथ हम मजाक करते हैं, वैसे वे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के साथ मजाक कर रहे थे, उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे, आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर बोल रहे थे अपने अंतर ज्ञान से बता दे किसने तुझे मारा। उसे तो अंतर ज्ञान भी था और बाहरी ज्ञान भी था, सब कुछ बता सकता था। आंखों के ऊपर पट्टी लगाई इसका मतलब उसे दिखाई देना बंद हो गया, ऐसा नहीं था। वो तो मनुष्य रूप में आया परमेश्वर था, उसे इन आंखों की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो सब कुछ देखता था। पर जब लोग उसकी आंखों के ऊपर पट्टी लगाकर उसको मार रहे थे और उसकी ठट्टा कर रहे थे, बोल रहे थे बताओ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बताओ, वो शांत था, कुछ नहीं बोल रहा था। वे उसके ऊपर थूक रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको मार रहे थे, प्रभु कुछ नहीं बोला। जब प्रभु के ऊपर कंधे के ऊपर क्रूस का बोझ दिया गया, वो उस बोझ को उठाकर बड़े दर्द के साथ चल रहा था। जब उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया और ये कांटे उसके सर के अंदर गए और खून निकलना शुरू हो गया, प्रभु व्याकुल हो गया था, पर बिना कुछ बोले शांति से बर्दाश्त कर रहा था। पर हमें हर घड़ी इस बात को सोचना चाहिए, प्रभु दुर्बल नहीं था, एक पल में वो इन सबों से छुटकारा पा सकता था और साथ ही साथ उसे दर्द देने वालों को सजा भी दे सकता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखे जा रहे थे और खून निकलते जा रहा था, लोग हंस रहे थे, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता रहा है और खुद को बचा नहीं सकता है। प्रभु ये सारी बातों को बड़ी शांति से
आत्मा में व्याकुल होकर शरीर में दर्द से तड़पते हुए बर्दाश्त कर रहा था। जब उसके दोनों हाथों से और पैरों से किले आर पार गए, क्या प्रभु अपने आप को बचा नहीं सकता था? गुरुवार शाम से लेकर शुक्रवार दोपहर तक जितनी सारी बातें प्रभु के साथ हो रही थी और जो जो लोग प्रभु की ठट्टा कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको सता रहे थे और उसकी निंदा कर रहे थे, क्या प्रभु उनको वही मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता था? वो दुर्बल या कमजोर नहीं था, पर यह थी उसकी नम्रता और उसकी सहनशीलता जो उसने मनुष्यों के लिए अपने आप पर ली थी, ताकि उसके बलिदान के कारण हम सब बच जाए और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये थी प्रभु की नम्रता, ये थी प्रभु की सहनशीलता। किसी मनुष्य को अपने आप को छुड़ाने की ताकत है तो भी वो नहीं छुड़ाता है, ऐसा दुनिया में मनुष्य नहीं है। कोई जेल के अंदर जा पड़ा तो वो इस बात के लिए झटपट करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बेल मिल जाए और मैं यहाँ से बाहर निकलूं। किसी के ऊपर कर्जे का बोझ हो गया तो यहाँ वहाँ से वो झटपट करते रहता है, कहीं से ना कहीं से मेरे पास पैसा आ जाए और मैं तुरंत इस कर्जे से बाहर निकलूँ, क्योंकि जिनसे कर्जा लिया है वो घर पे आएंगे, गालियाँ देंगे, भला बुरा बोलेंगे, इससे अच्छा कहीं से तो पैसे का इंतज़ाम हो जाए और यहाँ से इस कर्जे से मैं बाहर निकलूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग अपने बैग में जहाँ जहाँ सफ़र करते हैं दवा लेकर घूमते हैं। किसी को सरदर्द की परेशानी होती है, हमेशा उनके बैग में सरदर्द की दवा रहती है, जब कभी दर्द शुरू होता है तुरंत दवा निकाल कर खा डालते हैं। किसी को और कुछ बीमारी है तो दवा साथ लेकर घूमते हैं, कुछ हो जाता है तुरंत दवा लेते हैं। ये सब क्या है? हम छुटकारा पाते हैं, हम छुटकारा पाने का रास्ता हमेशा ढूंढते हैं। जिसके पास छुटकारा करने की ताकत है और अपने आप को छुड़ाता नहीं है, ऐसा दुनिया में मनुष्य ही नहीं है। आपकी बीमारी हो या कोई संकट हो, जहां हमें छुटकारा हो सकता है हम छुटकारा पाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रभु के साथ वैसा नहीं था, वो एक पल में अपने आप को बचा सकता था तो भी उसने नहीं बचाया। जब ही उसे क्रूस पर लटका गया था और वो व्याकुल बन गया था, उसके पूरे शरीर से खून 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 बहते जा रहा था और बड़ी व्याकुलता से प्रभु ने कहा, मुझे प्यास लगी है। जब प्रभु ने क्रूस पर से कहा कि मुझे प्यास लगी है, तब वहां उसको एक बूंद पानी तक नहीं दिया गया। और इसके विपरीत जो लोग क्रूस के नीचे खड़े हुए थे वो हंसकर मजाक कर रहे थे और उसे कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचाओ, तूने अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मरे हों को जिंदा किया, और क्या अभी तू अपने आप को नहीं बचा सकता है? हालेलुया। वचन कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव बन जाए। हम अहंकारी लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं जो किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं, इससे मुझे नाराजी हो गई, उससे मुझे नाराजी हो गई, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे वैसा क्यों बोला, छोटी छोटी बात को लेकर लोग नाराज हो जाते हैं और इसीलिए कितने सारे लोग विश्वास का अपना सफर पूरा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कोई भाई ऐसा रहेगा जो बहुत पढ़ा लिखा है और किसी कंपनी में एक बड़ा ऑफिसर है, वो यहाँ आज प्रार्थना में आ गया है और यहाँ आने के बाद ऐसी कोई बात उसने की जो हमारे सेवा करने वाले भाइयों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने डांट कर गुस्से से उसको कुछ बोला, तो क्या कहेगा, मुझे डांटा, मैं तो एक बड़ा ऑफिसर हूं, ये लोग कौन है मुझे डांट रहे हैं, अगले बार से मैं यहां नहीं आऊंगा। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है,
इसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा, यहाँ मेरा अपमान हो गया, वहाँ मेरा अपमान हो गया, और ऐसा बोल बोल के लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। पर इसीलिए पौलुस ने हमें प्रभु यीशु का उदाहरण दिया है। उसके मुंह पर थूका गया। आप जरा सोचिएगा, कोई अभी तक आपके मुंह पर कोई कभी थूके है क्या? कभी आपने थूक को बर्दाश्त किया है क्या? यदि नहीं किया है तो कभी मत बोला करो कि मुझे इसके बोलने से नाराजी हो गई या उसके बोलने से नाराजी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, एक शब्द बोल देता तो सारे लोग राख बन जाते। उसके पास महान सामर्थ था, ताकत थी, जरा भी उसकी ताकत खत्म नहीं हुई थी या कम नहीं हुई थी। वो जो भी सहन कर रहा था, ये थी उसकी नम्रता, और ये सारी नम्रता उसने हमारे लिए ली थी। आगे वचन कहता है, उसने क्रूस की मृत्यु सही। वो परमेश्वर पिता के आज्ञा में रहा। हम जानते हैं कि गुरुवार की शाम जब सिपाही उसको पकड़ने के लिए आने वाले थे, उसके पहले प्रभु आत्मा में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो आगे की बातों को देख रहा था। मुझे कितना दुख उठाना है, कितना दर्द उठाना है, वो बातों को पहले ही आत्मा में महसूस कर रहा था, और इसीलिए वो बड़ा व्याकुल हो गया था। और व्याकुलता से उसने प्रार्थना किया था, हे पिता, ये दुख से भरा हुआ कटोरा मेरे से हटा दे, ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, पर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, वो आज्ञाकारी रहा। ये परमेश्वर पिता की आज्ञा थी, उसकी योजना थी, उसकी इच्छा थी कि उसका पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान करे, ताकि उसके लहू के द्वारा पापी आत्मा के पाप धो डाले जाए और पापी आत्माएं अनंत काल के लिए स्वर्ग में पहुंच जाए। ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, और इसीलिए यीशु ने कहा, वो सारी बातें पहले जानता था। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने जिंदगी की आगे की बातें पहले जानता है। हम नहीं जानते शाम को 6 बजे हम कहाँ रहेंगे, 7 बजे कहाँ रहेंगे, रात को 10 बजे हमारे साथ क्या हो जाएगा, कल सुबह हमारे साथ क्या हो जाएगा। हम नहीं जानते क्योंकि हम मनुष्य है। यीशु मसीह मनुष्य बन गया था, पर वो मनुष्य नहीं था, परमेश्वर था, और इसीलिए वो अपनी आत्मा में सारी बातों को पहले ही देख रहा था, पहले ही आत्मा में महसूस कर रहा था कि मुझे क्या दुख उठाना है, और इसीलिए बड़ी व्याकुल होकर लिखा गया है कि उसका पसीना जैसा खून निकलता है वैसा उसका पसीना निकल रहा था। मतलब उसका दुख शुरू भी नहीं हुआ था, पर पहले ही उसने सारी बातों को जान लिया था, और उसे इतना पसीना हो रहा था कि जैसा खून गिरता है वैसा उसका पसीना गिर रहा था। और इस पसीना गिरते हुए बड़े व्याकुलता से उसने प्रार्थना किया था कि पिता, यह कटोरा मुझसे दूर हटा दे, पर मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा पूरी की, क्योंकि ये उसकी योजना थी। प्रभु यीशु अंत तक आज्ञाकारी रहा। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे ये दुख क्यों उठाना है, ये मेरे पापों का बोझ नहीं है, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र हूँ। हम पापी इंसान हैं तो भी किसी का थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो पवित्र परमेश्वर था और उसे पापी ठहराया गया तो भी उसने अपने जबान से नहीं कहा कि मुझे क्यों पापी ठहराया, मैं तो पवित्र हूँ, मुझे ये दुख क्यों, मुझे ये दर्द क्यों, मुझे ये ताड़ना क्यों। अंत तक उसने अपने जबान से ऐसी बातें नहीं की, बल्कि बड़ी नम्रता से, शांति से, आत्मा में व्याकुल होकर वो सारे दुख को सहन कर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए आगे जाकर परमेश्वर ने उसे महान बना दिया। दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ नाम वो उसे दे दिया, ताकि जो भी स्वर्ग में है, धरती पर है, धरती के नीचे है, हर कोई यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नम्र बन गया, यहाँ तक नम्र बन गया कि उसने मृत्यु, और वो भी क्रूस की मृत्यु सहली, जो बहुत अपमानकारक मृत्यु थी वो उसने सहली। जब प्रभु को क्रूस पे लटकाया गया था, उसके दाहिने बाजू और बाएं बाजू में भी दो चोर को लटकाया गया था, उनको भी क्रूस की सजा हुई थी, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया है वे तो चोर थे। चोर होने के कारण उन्हें ये सजा थी। प्रभु बीच में था, इसका मतलब ये दोनों से भी प्रभु को ज़्यादा अपराधी बनाया गया, ज़्यादा बड़ा गुनहगार बनाया गया। उसके दोनों तरफ दो गुनहगार थे, बीच में ये गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगार। इसलिए वचन कहता है उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्रूस पर मर गया, तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने उसको जिंदा उठाया, और ये हमारा प्रभु जो तीसरे दिन जिंदा उठा आज तक जीवित है और संसार भर करोड़ों लोगों के दिल में राज कर रहा है। कितने सारे लोग प्रभु के क्रूस के संदेश को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और अपना दिल प्रभु को दे देते हैं। वो अपमान की हालत में क्रूस पर मर गया, पर आज दुनिया भर में उसकी महिमा हो रही है, और हम तब उसकी महिमा बड़े पैमाने में देखेंगे जब वो बादलों पे सवार होकर स्वर्गदूतों के साथ आसमान से धरती पर आ जाएगा, और पूरा संसार उसे देखेगा, हर आंख उसे देखेगी। जितनों ने उसकी नफरत की है, उसकी निंदा की है, वो भी प्रभु को आसमान के बादलों पर सवार होते हुए और धरती पर उतरते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का उदाहरण देकर पौलुस हमें सिखा रहा है कि जैसा हमारे प्रभु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव बन जाए। तो जैसा परमेश्वर पिता ने प्रभु को ऊंचा कर दिया, वैसा वो हमें भी एक दिन ऊंचा बनाएगा। प्रभु यीशु ने खुद कहा था, जो अपने आप को नीचा करता है वो ऊंचा कर दिया जाएगा, यानी करने वाले हम नहीं है, करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर प्रकार का अहंकार छोड़ दो, हर प्रकार का स्वार्थ अपने अंदर से निकाल दो, हर प्रकार की भावना जिसके बारे में हम बोलते हैं मुझे इसके नाराज, इससे नाराजगी हो गई, उससे मुझे बुरा लगा, ये सारी भावनाएं निकाल दो, क्योंकि ये बातें हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। नम्र बन जाओ, सहनशील बन जाओ, दूसरों के बर्दाश्त करने वाले लोग बन जाओ। आपकी गलती है और आप मान लेते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग गलती भी मानते नहीं हैं, झूठ भी बोला करते हैं, पर गलती है और हमने मान लिया तो बड़ी बात नहीं है, पर गलती नहीं है तो भी हम नम्रता लेते हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये है हमारे प्रभु का स्वभाव। उसने कुछ गलती नहीं की थी, कुछ अधर्म नहीं किया था, कुछ पाप नहीं किया था, तो भी वो हमारे लिए पाप जैसा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें इसके लिए गुस्सा आता है कि ये मेरी गलती थी ही नहीं, मेरी गलती थी नहीं तो मुझे क्यों डांटा गया, मेरी गलती थी नहीं तो मेरा क्यों अपमान हो गया, मेरी गलती थी नहीं तो मुझे क्यों सुनाया गया। प्रभु को याद करो, उसने क्या गलती की थी, उसने क्या अधर्म किया था, उसने क्या पाप किया था। आप जानते हैं, नम्रता और सहन करना, ये स्वभाव यदि आपके अंदर आ गया तो आपके घर के झगड़े पूरे ही पूरे खत्म हो जाएंगे। आप जहाँ कहीं जाओगे
वहाँ झगड़े नहीं हो जाएंगे बल्कि शांति हो जाएगी, और परमेश्वर आपकी नम्रता के कारण एक दिन आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और जो बोलते रहेंगे ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा अपमान हो गया, और ऐसी बातें बोलते जाएंगे वो नीचे 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 जाते जाएंगे। हम कोई नहीं हैं, हम मिट्टी से बनाए गए इंसान हैं, एक पल में मिट्टी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल किसी ने आपके साथ बात की है, अभी आपको खबर मिल गई कि अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, आप शाम को घर जाएंगे तब तक आप उसको देख नहीं पाओगे, उसकी राख हुई रहेगी। हम मिट्टी से बनाए गए इंसान हैं, एक पल में मिट्टी हो सकते हैं। इसीलिए हर प्रकार का अहंकार, हर प्रकार का गर्व, हर प्रकार की बुराई अपने आप से निकाल दो, नम्र बन जाओ, दूसरों का सहन करना शुरू करो, बर्दाश्त करना शुरू करो, जिसके कारण आपकी आत्मा में बड़ी शांति रहेगी। आप जहाँ जाओगे वहाँ आप शांति को फैलाओगे, और आपकी नम्रता के कारण परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है, आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए, यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए, शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए, सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।